नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट। दोस्तों सबसे पहले इधर सत्या भाई से मिली आप लोग, हेलो। और अभी हम लोग गर्म पानी पी रहे हैं। पानी को गर्म करते टाइम इसमें हम लोग लौंग डाल दिए थे, सही रहेगा, है ना। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों। अभी सिचुएशन ही ऐसा चल रहा है, सब तरफ लगातार तबीयत खराब हो रहे हैं। और आज का जो वीडियो है, हम लोग सोच रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर रखें। हेल्थ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, मुझसे ज़्यादा जानकार है आप लोग खुद ही, है ना। तो लेकिन ये एक हेल्दी वीडियो आप बोल सकते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं पुराने घर से थोड़ा और नीचे की तरफ, बड़े पापा लोगों का जिधर घर है। बड़े पापा लोगों के घर नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मेरा एक दोस्त का घर है, पीयूष कुजूर, तो उनके घर में जा रहे हैं। वहाँ पर उनके पास गिलोय है, वो लेके आएंगे, उबाल के पियेंगे। मॉर्निंग में खाली पेट में पीना ज़्यादा सही रहता है, लेकिन अभी दोपहर खाना खाए हुए ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो पियेंगे, पेट खाली ही रहेगा, और फिर मॉर्निंग में फिर, है ना। तो मिलता हूँ, फिर आगे की बातें उधर करते हैं। बादाम बादाम है तेरे कच्चा बादाम। इधर पापा से मिलिए दोस्तों, दुकान में हैं, बैठे हैं। मेरे पापा लोगों का थान मैंने पहले भी दिखाया, यशवंत लोगों का। मवेशियों का सेवा जतन बड़े पापा से ज़्यादा तो यशवंत करता है, बहुत शौकीन है दोस्तों। पता नहीं बच्चा किधर है, मैं आप लोगों से मिलाता। देखिए ये है मेरे मझले बड़े पापा का घर, और इधर में पीयूष भाई का घर। ये पीयूष का घर है, देखिए इधर लगाया है, इधर से बेल गया है इस पेड़ में। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, काफी घना गिलोय का बेल गया हुआ है, और हम लोग भी लेके जाएंगे अपने घर पे लगाएंगे, और कुछ तने में लेके जाऊंगा जिसको हम लोग उबाल के पियेंगे, है ना। तो पास से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसका जड़, पत्ता, तना सब लाभकारी होता है, लेकिन तने को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस गिलोय के बेल का एक और खासियत है दोस्तों, ये जिस पेड़ पे भी चढ़ता है, इसका बेल जो है वो जिस पे चढ़ता है उस पेड़ का कुछ गुण अपने में ले लेता है। तो नीम के पेड़ पे इसका बेल चढ़ाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा गुणकारी हो जाता है उससे। ये गिलोय लेके जल्दी से जल्दी यहाँ से जाएंगे, कि उसके घर में मेहमान आ गए हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्तों। इधर से कहीं से लेके जाते हैं। ये देखिए इसके पत्ते कैसे होते हैं, बिल्कुल पान के पत्ते की तरह। इसको भी खा सकते हैं या फिर बॉईल करके पी सकते हैं पानी को। ठीक है पीयूष ने दे दे चाकू ले। ये पीयूष लोगों का गार्डन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये अनार लगाए हुए हैं, उधर आम है, कटहल है, और भी कुछ कुछ है। उधर पीयूष का भाई पीटर बैठा हुआ है। ये ले। ओए। चलो उनसे आप पहले गिलोय नहीं पता आपको? नहीं पता। नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता? पानी जगह में नहीं बोले। जिस पेड़ के पास लगाएंगे ना, उस पेड़ का गुण ले लेता है, ये बोलते हैं कुछ बहुत। हाँ मतलब नीम के पास ज्यादा सही है।
भावेश उसको देख भारी खुश है ने इसके साथ कौन भी तो इससे लेगा अरे दोनों में नहीं है लड़ाई करते हैं उसका दोस्त बोलेगा कि बड़े हैं तो दोनों प्रकार के जमीन में डाल देना आज दूसरे वाले अमरूद पेड़ में चढ़ा हुआ है सत्य भाई मेरा धनिया पत्ता रे सच में धनिया पत्ता है यहाँ पे इसको हम लोग मिक्सी में भी पीस सकते थे दोस्तों लेकिन हम लोगों ने वैसा नहीं किया इसको बालेंगे तो वैसे भी इसका रस निकल जाएगा तो चलते हैं अभी छत में इसको बॉईल करेंगे पानी के साथ ये सत्य भाई पानी लेके जा रहे हैं मैं गिलोय लेके जा रहा हूँ ये जो काठी है ये सबको रखना है बस इसको अभी उबालेंगे चूल्हा इधर रखा गया है लेके आना पड़ेगा ये मनीष बेटा भी हमारे साथ आज हेलो फ्रेंड्स पानी ज्यादा तो नहीं डालती है हम लोग लेकिन काफी देर तक उबालना है इसको आधा सूखते तक ये मनीष तुलसी लेने के लिए गया है तुलसी के कुछ पत्ते उसमें डाल देंगे साथ में गिलोय के तो और भी फायदेमंद हो जाएगा उसमें काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अदरक डाल सकते हैं शहद डाल के भी पी सकते हैं ना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे बस तुलसी और गिलोय ये छोड़ दिया है दोस्तों हम लोगों ने गिलोय को उबलने के लिए यह एक आयुर्वेदिक औषधि है आयुर्वेद में इसको अमृत कहा जाता है दोस्तों इसको संस्कृत नाम इसका अमृता है और भी बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है जीवंता और क्या क्या बोलते हैं पता नहीं हर रोगों के इलाज के लिए रामबाण है दोस्तों आप लोग इसके बारे में डिटेल से ब्लॉग में पढ़ सकते हैं गूगल में या फिर कोई डिटेल वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे मैं अगर इसके फायदे बताने जाऊं तो 30-40 मिनट का वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा और मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा डिटेल से आप लोगों को मैं खुद कुछ वीडियोस देखा हुआ हूं कुछ ब्लॉग्स पढ़ा हुआ हूं है ना खास करके ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये जो कोविड सिचुएशन आया इसके बाद इसका मांग और भी ज्यादा बढ़ गया दोस्तों लेकिन इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के चक्कर में हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम स्लो पड़ सकता है थोड़ा कम काम करेगा है ना हम लोग इसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है इसको लिमिट में यूज करना है और यह शुगर के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है लेकिन जो बहुत कम शुगर वाले हैं कहने का मतलब जो सामान्य होना चाहिए उससे भी कम शुगर है जिसको वो लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नहीं तो उनका शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाएगा ये सब मैं कुछ ब्लॉग्स में पढ़ा हुआ हूँ मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ दोस्तों आप लोग डिटेल से ये गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं फायदेमंद तो है लेकिन लिमिट में लिया जाए खाली पेट में अगर रोज भी ले सकते हैं लगभग हाफ ग्लास है ना और जो कुछ खास प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है उन लोग एक गिलास ले सकते हैं लगभग दो काठी को ऐसा उबाल के प्रतिदिन मॉर्निंग में खाली पेट में अभी हम लोग शाम को आज हम लोग पी रहे हैं वैसे हम लोग का पेट अभी थोड़ा खाली ही हो गया होगा अभी लगभग 4:30 बज रहे होंगे और हम लोग लगभग 12-12:30 बजे दोपहर का खाना खाए थे
उधर लेके चलते हैं सर। ये अभी निकालेंगे काढ़ा जो हम लोगों का बन के तैयार है। पांच लोग हैं, पापा, मम्मी, मैं, सत्य भाई और मनीष बेटा। इसमें निकालूंगा। मम्मी पापा को भी देख के आते हैं। मैं पापा को देख के आ रहा हूँ ना दोस्तों। एकदम ग्रीन टी के जैसे लग रहा है। थोड़ा कड़वापन तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत कड़वा लगता है, पीने नहीं सकते हैं, शहद डाल के पीना पड़ता है। शहद डाल के भी पी सकते हैं, उसका एक अलग फायदा है, लेकिन ऐसा पिए ऐसा भी पी सकते हैं। मैं मम्मी और पापा को देख के आता हूँ। माँ, पापा जी, पापा, पापा चाय पी रहे दोस्तों। अभी फायदा नहीं होगा इसको पीने का, बाद में पिलाएंगे पापा को। और थोड़ी देर तक हम लोगों को इसको बॉईल करना था। जैसे कि दो ग्लास पानी डाले तो वो सूखते सूखते एक ग्लास रह जाए, ऐसा। थोड़ा सा बच गया था दोस्तों, उसको फिर से उबाल रहे हैं। थोड़ा ज्यादा कड़वा होगा। जिसको बहुत ज्यादा ठंड लगता है वो लोग भी गिलोय पी सकते है। सत्या भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। इसको बहुत ठंडा लगता है, बस धूप में ही रहता है हमेशा, जब धूप निकलता है तो। ये दोस्तों जो लास्ट में बच गया था, इसको बहुत ज़्यादा उबाल लिया हम लोग। सत्या भाई आपके में कम है थोड़ा, चलेगा कैसा है? मुंह देख के बोल रहा है, मुंह देख के लग रहा है कि अब और इस दले ही। गरम भी तो है। नहीं पीने लायक है लेकिन अभी है थोड़ा। अभी बनाए दोस्तों हम लोगों का एकदम हार्ड वाला काढ़ा। हम लोग तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए अभी बनाए, नहीं तो इसको सुबह पीना चाहिए खाली पेट में। बहुत ज्यादा नहीं, हाफ ही पीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आप लोगों को पसंद आया या नहीं मुझे बताइएगा। मैं बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। टेक केयर।